नमस्कार। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज और एक समय भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले युवराज सिंह इंग्लैंड क्यों आए हैं? आखिरकार BCCI ने युवराज सिंह को इंग्लैंड क्यों भेजा है? इस बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप युवराज सिंह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2019 के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता अब थोड़े ही दिनों में प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में सभी वर्ल्ड कप टीमें पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह को ICC ने इंग्लैंड वर्ल्ड कप के लिए आमंत्रित किया है, और युवराज सिंह के साथ मोहम्मद कैफ भी इंग्लैंड में उनके साथ नजर आए। दोस्तों, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में फिर से एक साथ नजर आए, और वह भी पूरे 17 सालों के बाद। आपको बता दें कि इससे पहले इन दोनों को एक साथ 2002 में देखा गया था, तब इन दोनों ने भारत को ऐतिहासिक टेस्ट मैच में जीत दिलाई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के आउट होने के बाद जब भारतीय टीम ने जीत की आस ही छोड़ दी, उस वक्त युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी ने मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। और इसी मैच में जीत मिलने के बाद भारतीय पूर्व बल्लेबाज सौरव गांगुली ने अपनी नीली जर्सी लहराई थी, जो कि आज भी टीम इंडिया के क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पलों में मौजूद है। दोस्तों, मोहम्मद कैफ ने युवराज सिंह के साथ अपनी सेल्फी ट्वीट करते हुए लिखा कि 17 साल के बाद एक बार फिर से युवराज सिंह के साथ लॉर्ड्स के मैदान में। और दोस्तों, कैफ की इस फोटो को क्रिकेट प्रेमी बहुत ही अधिक पसंद कर रहे हैं। आपको मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जोड़ी को 17 साल बाद फिर से लॉर्ड्स के मैदान पर देखने के बाद कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं को नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।